नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहले दिन 550 से ज्यादा प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पर्चा। पंचायत चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हुई IAS अधिकारियों की फेरबदल। मुखिया अब कर सकेंगे अपने खाते में जमा पैसे का इस्तेमाल। बिहार में 90 से कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। अब ग्राहक निर्धारित वक्त पर करा सकेंगे गैस सिलेंडर की डिलीवरी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पहले दिन 550 से ज्यादा प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पर्चा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का नामांकन बीते दिन गुरुवार से शुरू है। पहले दिन गुरुवार को 565 उम्मीदवारों ने अलग अलग पदों के लिए नामांकन भरा है। बताते चले कि इस बार पंचायत चुनाव में नामांकन भरने का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 491 लोगों ने ऑफलाइन जबकि 31 प्रत्याशियों ने ऑनलाइन नामांकन भरा है। सबसे ज्यादा नामांकन ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए हुआ, जिसके लिए 354 प्रत्याशियों ने नामांकन डाला। तो वही मुखिया के लिए 69, पंचायत समिति सदस्य के लिए 43, ग्राम कचहरी पंच के लिए 67, सरपंच के लिए 24 और जिला परिषद सदस्य के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। अब आज दूसरे दिन की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मुखिया आप कर सकेंगे अपने खाते में जमा पैसे का इस्तेमाल। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो यकीनन मुखिया को काफी फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा। हाल ही में पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित सभी खातों के संचालन पर चुनाव होने तक रोक लगा दी थी और सिर्फ नल जल योजना को पूरा करने की छूट दी गई थी, जिसके बाद से लगातार आयोग के इस फैसले का विरोध होने लगा था। लेकिन अब पंचायती राज विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि क्रियान्वित योजना में राशि की निकासी की जा सकती है। इसके तहत अब सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उनके कार्यों एवं राशि के भुगतान पर लगी रोक को शर्त के साथ हटाया जाता है। शर्त यह है कि योजना से जुड़े सभी काम आचार संहिता का पालन करते हुए किया जाए। साइबर ठगों ने महिला के खाता से लाख रुपए की कर ली सेंधमारी। सूबे में साइबर ठगी से जुड़ा फिर से एक नया मामला आया है, जिसमें हैकरों ने नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के धनवा गांव की रहने वाली एक महिला के खाते से 1,10,000 रुपए की निकासी कर ली। पीड़िता के मुताबिक उसके पंजाब नेशनल बैंक के खाते से 28 जुलाई से ही 11 ट्रांजेक्शन हुए और कुल 1,10,000 रुपए निकासी की गई। इसकी जानकारी बहुत दिनों के बाद उस महिला को मैसेज के जरिए मिली। वही बैंक अधिकारी ने साइबर क्राइम के द्वारा पैसे निकासी करने की बात महिला को कही, जिसके बाद महिला ने पुलिस थाने में आवेदन दे दिया। मिथिला यूनिवर्सिटी में मशरूम रिसर्च सेंटर हुआ शुरू। दरभंगा स्थित मिथिला विश्वविद्यालय में अब मशरूम के उत्पादों पर रिसर्च किया जा सकेगा। यहां के वनस्पति विज्ञान विभाग में मशरूम कल्चर और रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई है, जिससे मशरूम की विभिन्न प्रजातियों और इसके उत्पादन के विस्तार आदि पर काम किया जाएगा। इस रिसर्च सेंटर में दरभंगा ही नहीं, मधुबनी और इससे सटे अन्य जिलों में मशरूम का उत्पादन करने वाले लोगों को 7 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी। इस सेंटर में पूसा कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम विज्ञानियों की भी ली जाएगी, जिससे कि बिहार में मशरूम खेती और कारोबार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा सकेंगे। ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार को सीएम ने दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद में भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के रहने वाले 18 साल के प्रवीण पुरुष हाई जंप T44 वर्ग में 2.07 मीटर की कूद लगाकर दूसरे स्थान पर रहे। उनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई जंप में प्रवीण कुमार के रजत पदक जीतने पर पूरा देश गौरवान्वित है। उनकी कड़ी मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। वे निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और देश का नाम रोशन करते रहे। बताते चले कि टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत की झोली में अब तक कुल 12 पदक आ चुके हैं। अब ग्राहक निर्धारित वक्त पर करा सकेंगे गैस सिलेंडर की डिलीवरी। इंडियन ऑयल की गैस सर्विस देने वाली कंपनी इंडेन ने अपने ग्राहकों को एक नई सुविधा दी है। इसके तहत ग्राहक अपनी सुविधा के मुताबिक निर्धारित वक्त पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करा सकते हैं। इस सर्विस का नाम प्रिफर्ड टाइम डिलीवरी है। नई सर्विस में टाइम स्लॉट को भी डाला जा सकता है। इसके तहत सिलेंडर बुक करने के लिए ग्राहक https://cx.indianoil.in पर जाए। वहां पहले स्टेट, जिला, संबंधित वितरक का नाम, डेट और टाइम स्लॉट, उसके बाद कंपनी के दिए गए विकल्प के मुताबिक आप समय का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इसके लिए 25 से 50 रुपए तक शुल्क भी लगेंगे।
पार्टी कार्यालय की जमीन को लेकर राजद ने जदयू पर किया वार। बिहार की प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने ऑफिस विस्तार की जमीन को लेकर सत्ताधारी दलों पर निशाना साधा है। आरजेडी ने दावा किया है कि जदयू राज्य में तीसरी बड़ी पार्टी है। बावजूद इसके जदयू कार्यालय के लिए 66,000 वर्ग फीट की जमीन दी गई है, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी को 52,000 वर्ग फीट जमीन दी गई है। तो वहीं आरजेडी ने खुद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने राजद प्रदेश कार्यालय के लिए केवल 19,842 वर्ग फीट जमीन आवंटित की है। राजद ने मार्च महीने में अपने दफ्तर विस्तार के लिए भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर बगल की जमीन आवंटित करने की मांग की थी, मगर विभाग की तरफ से उसे हाईकोर्ट पुल के लिए आवंटित होने की बात कहकर मना कर दिया गया, जिसके बाद राजद अब जदयू पर सवाल खड़े कर रही है। पंचायत चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हुई आईएएस अधिकारियों की फेरबदल। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन के दौरान बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की गई है। बीते देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत 85 अधिकारियों का तबादला किया गया, जबकि पोस्टिंग के लिए वेट पर रहे 2 अधिकारियों को भी नए जगह पर तैनाती दी गई है। इनमें से 21 अधिकारी 2017 और 18 बैच के आईएएस अफसर हैं। बिहार सरकार ने इन आईएएस अफसरों को जिलों में उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया है। तो वहीं कुछ अधिकारियों को एसडीओ की भी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में 90 से कम हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 10 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 89 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान राजधानी पटना से सबसे ज्यादा 4 मामले आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,35,184 सैंपलों की जांच हुई, साथ ही साथ 5 मरीज इस दौरान ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। सुपौल में घटिया सड़क निर्माण पर लोगों के विरोध पर शुरू हुई जांच। सरकार के द्वारा सड़क निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं, मगर टेंडर के बाद भ्रष्ट अधिकारियों व संवेदकों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का प्रयोग कर निर्माण कराया जाता है, जिसका परिणाम कुछ ही दिनों में दिख भी जाता है। ऐसे ही घटना में सुपौल के त्रिवेणीगंज मुख्य बाजार में 1.6 किलोमीटर के करीब पक्की सड़क निर्माण में पटना के संवेदक द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध करके वहां पर काम रुकवा दिया। वहीं अब डीएम तक बात पहुंचने पर सुपौल की जिलाधिकारी द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम बीते दिन से सड़क निर्माण कार्य की जांच कर रही है। औरंगाबाद के नक्सली एरिया में होगा 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण। राज्य के नक्सल प्रभावित जिले औरंगाबाद के लोगों को कई समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से करीब 250 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इस सड़क की चौड़ाई 18 फीट होगी। इस बात की जानकारी देते हुए बीते दिन औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया योजना के तहत बनाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार दिया गया है और भौतिक सत्यापन का निर्देश दे दिया गया है। इसके बन जाने से इस इलाके में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार। बिहार में जनता दरबार लगाने की होड़ इन दिनों सभी पार्टियों के बीच लगी है। इस बीच आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव भी इस होड़ में कूद पड़े हैं। हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव पटना में स्थित अपने सरकारी आवास पर ही जनता का दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर डालकर शेयर की है। बताते चले कि इससे पहले प्रदेश कार्यालय में तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाने वाले थे, लेकिन जगदानंद सिंह से मतभेद के बाद वे अपने आवास पर ही फरियादियों की फरियादें सुनते नजर आ रहे। माझी की पार्टी ने अफसरों की मनमानी का उठाया मामला। बिहार की सत्ता में पहले विपक्ष ही अफसरों और अधिकारियों की मनमानी का मसला उठाकर सरकार को घेरने का काम करती थी, मगर अब खुद सत्ता पक्ष की पार्टियों द्वारा अधिकारी और अफसर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जदयू के बाद अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अफसरों की मनमानी का मसला उठाया है और इसे लेकर कहा है कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैश्यंत्री ने बीते दिन पार्टी के प्रदेश सचिवों की आयोजित बैठक में कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मुलाकात करें और अगर अधिकारी हम कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है तो पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मांझी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की।
राजद में शामिल होने की बात पर जदयू प्रदेश से उपाध्यक्ष ने दी सफाई। बीते दिन जंदाहा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पातेपुर की पूर्व विधायक और जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमा चौधरी के साथ मंच को साझा किया। इसके बाद से ही प्रेमा चौधरी के वापस आरजेडी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इन अफवाहों को प्रेमा चौधरी ने हंसते हुए टाल दिया और कहा कि वे निजी संबंधों के कारण कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। ये दोनों ही जंदाहा में आरजेडी नेता की मां की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां तेजस्वी यादव ने इन्हें हंसते हुए वापस पार्टी में आने को कहा था। चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों से जगी उम्मीदें। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला लंदन के केनिंगसन ओवल मैदान पर खेला जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन 3:30 बजे से शुरू हो गया है। पहली पारी में टीम इंडिया 191 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत ने ये स्कोर विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर के अर्धशतक की मदद से बनाए, तो वहीं पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 53 रन बनाए थे। भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने बीते दिन टीम के दोनों ओपनर रोरी बर्नर्स और हसीब हमीद को जल्दी ही पवेलियन भेज दिया था, जिसके बाद आज दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों से कमाल करने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके इलाके के सरकारी सड़कों की स्थिति अच्छी है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।